कामयाबी किसी डिग्री का मोहताज नहीं होती, बस मोहताज होती है आपकी लगन से की गई मेहनत की। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। जिनके सफर खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते। जिंदगी जीने का अंदाज बदले, अगर मगर किंतु परंतु में तो करोड़ों लोग जी रहे हैं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। नियत साफ हो तो भगवान किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है, किस्मत एक दिन में थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेती। जो सिरफिरे होते हैं वे इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। एक देश की महानता, बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है। प्रार्थना तभी सफल होती है जब भरोसा पक्का होता है, और प्रयास तभी सफल होते हैं जब मेहनत और लगन सच्ची होती है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्धिजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अपनी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, हर एक फल का अपना अलग ही स्वाद होता है। अपनी जिंदगी पर कभी अफसोस मत करें, क्योंकि जिस जिंदगी पर आपको अफसोस है शायद वो किसी और के लिए सपना है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो दुख के 100 दिन से बच जाते हो। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से होती है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो सभी अच्छे कर लेते हैं। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही असली ज्ञान है। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचने से जो आने वाला है वो भी हाथ से चला जाएगा। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर हल नहीं की जा सकती है जिस पर वह उत्पन्न हुई है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए। क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा। पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक व्यस्त और दूसरा घमंडी। व्यस्त व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से।